हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अभी पानीपत में दिल्ली जलंधर नेशनल हाईवे 44 पर, और आज के व्लॉग में हम ट्रेवल करने वाले हैं पानीपत से शामली तक वाया पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD। तो दोस्तों, पानीपत से दिल्ली की दिशा में जाते हुए मैं अब सर्विस रोड पर आ गया हूँ और आप सामने एक फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे और ये है NH44 जंक्शन। हरियाणा के पानीपत से शुरू होकर उत्तराखंड के खटीमा तक जाने वाला नेशनल हाईवे 709 AD का स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि NH44 पर ट्रम्पेट इंटरचेंज के रूप में बनाया गया है, आप सामने देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली या सोनीपत की दिशा से पानीपत की दिशा में जा रहे हैं तो आप इस ट्रम्पेट इंटरचेंज की मदद से नेशनल हाईवे 709 AD पर जुड़ सकते हैं, और अगर आप पानीपत की साइड से आ रहे हैं तो यहाँ से लेफ्ट में होते हुए आप शामली मुजफ्फरनगर होते हुए नेशनल हाईवे 709 AD से जुड़ सकते हैं। तो अब मैं हाईवे के दूसरी साइड आ गया हूँ, यानी मेरे अब सामने की दिशा है वो पानीपत की दिशा है, और यहां से हम ट्रम्पेट इंटरचेंज के थ्रू जुड़ेंगे नेशनल हाईवे 709 AD पर। स्वागत है दोस्तों आपका पानीपत से शुरू होकर शामली मुजफ्फरनगर चांसर मीरापुर होते हुए बिजनौर के नगीने तक जाने वाले 170 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 709 AD पर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD पानीपत से शुरू होकर बिजनौर के नगीना तक ही बनाया जा रहा है, और नगीना से उत्तराखंड के खटीमा तक जाने के लिए ये हाईवे नेशनल हाईवे 734 पर जाकर मर्ज हो जाएगा। यानी अगर आपको आगे नगीना से आगे खटीमा तक जाना है तो आप वाया 734 के थ्रू जा सकते हैं। इस 170 किलोमीटर लंबे पूरे हाईवे पर 42 बड़े ब्रिज और फ्लाईओवर और 45 छोटे व्हीकल अंडरपास और पुलियों का निर्माण कार्य होना है, और इसी के साथ ही 9 जगहों पर बाईपास का निर्माण कार्य भी किया जाना है, जिसमें पानीपत के पास NH44 जंक्शन से शुरू होकर पुराने पानीपत शामली रोड स्थित छछपुर गांव के पास तक जाने वाला 13 किलोमीटर लंबा पानीपत बाईपास भी शामिल है, जिस पर अभी हम चल रहे हैं। इस हाईवे की निर्माण की जिम्मेदारी दी गई NHAI के बागपत खंड को, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है GR इंफ्रा। तो दोस्तों, इस हाईवे का निर्माण कार्य 4 फेजेस में होना है, जिसमें से फेज 1 पानीपत से शामली तक, फेज 2 शामली से मुजफ्फरनगर तक, फेज 3 मुजफ्फरनगर से जानसठ मीरापुर होते हुए बिजनौर तक, और फेज 4 बिजनौर से नगीना तक बनाया जाना है। और यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि इस हाईवे का फेज 1 यानी पानीपत से शामली तक 100% कंप्लीट हो चुका है और आम पब्लिक के लिए ऑपरेशनल किया जा चुका है। और शामली की दिशा में आगे की ओर बढ़ते हुए मेरे सामने एक फ्लाईओवर, और इस फ्लाईओवर के लेफ्ट में सर्विस रोड की सहायता से आप छछपुर विलेज होते हुए पानीपत शहर की ओर जा सकते हैं, और आगे की ओर जाता हुआ ये फ्लाईओवर यहाँ से राइट कर्व लेता हुआ मर्ज हो जाएगा पुराने पानीपत शामली रोड पर, और पानीपत बाईपास भी एक इसी जगह पर आकर समाप्त होता है। 13 किलोमीटर लंबा ये पानीपत बाईपास, जिसको ग्रीन फील्ड बनाया गया है, पानीपत के भीड़ भाड़ और फुल ऑन ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाता हुआ शामली की दिशा में आगे की ओर बढ़ जाएगा।
और पानीपत बाईपास के समाप्त होने के बाद शामली दिशा में हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं और यहाँ पर एक और बाईपास स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड में जो सर्विस रोड है, अगर आप उस सर्विस रोड की सहायता से सीधे जाएंगे तो आप सनोली खुर्द की ओर चले जाएंगे और हाईवे के थ्रू थोड़ा सा राइट कर्व लेता हुआ शामली की दिशा में जाता हुआ नेशनल हाईवे 709 AD। दोस्तों ये हाईवे भले ही 4 लेन बनाया जा रहा है, बट भविष्य को देखते हुए इस हाईवे पर जितने भी फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो सभी 6 लेन वाइड बनाए जा रहे हैं। और जिस फ्लाईओवर के थ्रू अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड में सर्विस रोड के थ्रू जाएंगे तो आप दोबारा सोनाली खुर्द गाँव की ओर वापस चले जाएंगे और यहाँ से राइट कर्व लेता हुआ ये फ्लाईओवर सोनाली खुर्द के बाईपास को समाप्त करता हुआ दोबारा मर्ज हो जाएगा पुराने पानीपत शामली रोड पर। बहुत ही शानदार और बेहतरीन बना हुआ ये हाईवे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पहले ही बताया, पानीपत से शामली तक NH 709 AD का फेज 1 100% तैयार है, पूरी तरह ऑपरेशन है। तो अब ये सफ़र थोड़ा सा महंगा हो जाएगा क्योंकि हमें देना पड़ेगा अब पानीपत से शामली जाने के लिए टोल टैक्स। वैसे तो बोर्ड पे 110 रुपये लिखा हुआ है, बट इस जगह पर जो हमारा टोल टैक्स कटा वाया फास्टैग वो लगा है 70 रुपये। तो 70 रुपये बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आपको बता दूं कि हर फेस में, यानी फेज 1 पानीपत से शामली, शामली से मुजफ्फरनगर, हर फेस में एक टोल टैक्स बूथ बनाया जा रहा है। हाईवे काफ़ी स्मूथ बना हुआ है और कार की स्पीड इस हाईवे पर रखी गई है 100 किलोमीटर पर आवर, बट अगर आप इस गति सीमा से ऊपर जाते हैं तो हाईवे पर जगह जगह स्पीड डिटेक्टर कैमरा भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों शामली दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ आ गई है बैरिकेडिंग और बैरिकेडिंग को पार करते ही हम पहुंच गए हैं यमुना नदी पर बने हुए 6 लेन के ब्रिज पर। और यही यमुना नदी निर्धारण करती है हरियाणा और यूपी की सीमा को। तो हम अभी यमुना नदी के ब्रिज के ऊपर हैं और जैसे ही हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे हम पहुंच जाएंगे यूपी की सीमा में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सामने आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो स्वागत है आपका नेशनल हाईवे 709 AD के यूपी खंड में। एक बात इस हाईवे की बहुत ही शानदार है कि जहां जहां इस हाईवे के साइड में आबादी क्षेत्र है या जहाँ पर कोई रोड इस हाईवे को क्रॉस कर रही है वहाँ पर छोटे बड़े फ्लाईओवर्स और व्हीकल इंटरपासिस बनाए गए हैं। और शामली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं अब इस हाईवे पर पड़ने वाले एक प्रमुख आबादी क्षेत्र किराना की ओर। और यहाँ पर भी एक बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है। इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट कर्व लेते हुए आप किराना की ओर चले जाएंगे और लेफ्ट कर्व लेता हुआ ये हाईवे किराना को बाईपास करता हुआ शामली की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। हालांकि किराना बाईपास पुराने पानीपत शामली जो रोड थी तभी बना दिया गया था, बट पहले ये 2 लेन का बाईपास हुआ करता था और सड़क की हालत तो इतनी ख़राब हो करती थी कि ये मानिए सिर्फ ट्रक और डंपर ही इस बाईपास का इस्तेमाल करते थे, बाकी कार और बसेस तो किराना के अंदर से ही जाती थी। बट अब जबकि ये बाईपास NHAI के अंदर बनाया गया है
तो जितने भी फ्लाईओवर्स इस बाईपास पर बनाए गए हैं वो 6 लाइन वाइड ही बनाए गए हैं, साथ में सर्विस लाइन भी दी गई है और हाईवे बाकी काफ़ी सुंदर बनाया गया है और इस बाईपास पर तो गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों बात की जाए इस हाईवे पर अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो पानीपत से शामली तक और शामली से पानीपत जाते हुए मैंने कई बार ड्राइव की है इस हाईवे के बनने से पहले। तो यकीन मानिए लाइन लगा के गाड़ियां चलती थी, ट्रक बसेस को ओवरटेक करना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि 2 लेन रोड ही थी और वो भी काफ़ी नैरो रोड थी, कोई ज़्यादा बहुत चौड़ी रोड नहीं थी। बट अब इस हाईवे के बनने के बाद जहाँ फ्लाईओवर 6 लेन वाइड हैं और जो हाईवे है वो 4 लेन वाइड है, आपको ट्रैफिक का पता भी नहीं चलेगा कि इस रोड पे कोई ट्रैफिक है भी या नहीं, क्योंकि गाड़ी अपनी पूरी स्पीड मेंटेन करते हुए चलती है। वेल, ये फ्लाईओवर उतरते साथ ही किराना बाईपास का भी एंड हो जाता है और यहाँ से ये हाईवे शामली की ओर। ये गांव है बन्ना माजरा और इसी के पास से ही शुरू हो रहा है नेशनल हाईवे 709 AD का शामली बाईपास। यहां से लेफ्ट साइड में सर्विस रोड की सहायता से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आप शामली इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए शामली शहर की ओर चले जाएंगे और अगर आप इस फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं तो आप शामली की नैरो रोड्स और भयानक 2 से 3 घंटे के ट्रैफिक जाम से बचते हुए शामली को बाईपास करते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि NH709 AD के अंतर्गत बनाया जाने वाला शामली बाईपास पूरी तरह तैयार हो चुका है और पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है। पानीपत कटीमा नेशनल हाईवे 709 AD का शामली बाईपास आगे जाकर दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के शामली बाईपास के साथ मर्ज हो जाएगा, जो कि एक रिंग रोड के रूप में बनाया जा रहा है। शामली शहर जिसकी प्रसिद्धि उसके ट्रैफिक जाम की वजह से ज़्यादा थी, अब नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के जंक्शन के रूप में पहचान मिल रही है। 3 नेशनल हाईवे पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD, दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B और मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A जहां शामली में एक जंक्शन बना रहे हैं, वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और शामली अम्बाला एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे शामली शहर के विकास को ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होंगे। और अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B का शामली बाईपास जो कि रिंग रोड के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709AD और मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A मर्ज होने हैं, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उस बाईपास के कंप्लीट हुए बना ऑपरेशन हुए बना जिस बाईपास पर अभी हम चल रहे हैं इसकी भी कोई महत्ता नहीं है। और अगर आप दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के शामली बाईपास की अपडेट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं यहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाएं और वो अपडेट वीडियो भी देखें कि शामली बाईपास पर अभी कितना कार्य होना बाकी है। दोस्तों आप सामने बैरिकेडिंग देख पा रहे होंगे, पानीपत से शुरू होकर शामली तक बनाया जाने वाला नेशनल हाईवे 709 AD का फेज 1 बस यहीं तक है और इसी हाईवे के अंतर्गत बनाया जाने वाला शामली बाईपास भी बस यहीं तक है। यहां से आगे अगर हम सीधे जाएंगे तो दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के शामली बाईपास के साथ मर्ज हो जाएंगे, जिसके बारे में अभी आपको पहले ही बताया कि वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसी वजह से
अभी हम उस शामली बाईपास का जो कि सीधे जाके आएगा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये जो रोड है यहाँ से राइट जाएंगे तो दिल्ली की ओर और लेफ्ट जाएंगे तो शामली शहर की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन जय हिंद।